हेलो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। देखिए पहले भी हम डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी हमारे पूर्व विधायक है उनके नेतृत्व में सभी कांग्रेस के पार्षद मिले थे देता जी से। आज हम यहाँ पर मिले हैं। हमारी ये बात है कि जो पार्षदों के द्वारा जो 100-100 कट्टे हर वार्डों में प्रत्येक वार्डों में बांटे जाने हैं वो अभी तक नहीं किए गए, उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। हमसे 100-100 लोगों की सूची मांगी गई थी, वो सूची हमने नगर निगम में दे दी, लेकिन बार बार वो सूची लौटा दी जाती है कि कई जनों के राशन कार्ड लिंक नहीं है, कई कहते हैं कि ये राशन कार्ड फाउंड नहीं हो रहा है। तो ये जो तकनीकी अड़चनों के अंदर जो ज़रूरतमंद लोग है, ये 3-0 लॉकडाउन चल रहा है, तीसरा लॉकडाउन, और अभी तक हमको जो आटे के कट्टे नहीं दिए गए हैं इसको लेकर के हम पार्षद रोष जताने आए थे भवानी सिंह जी देथा के पास में, और सम्मान्य जयपाल जी ने भी बात करी है। तो उन्होंने जो आयुक्त महोदय उनको कहा है कि इसमें अनावश्यक देरी नहीं करें और 3 दिन के अंदर ये दी जाए। लेकिन हमारी ये मांग है कि जब विधायकों द्वारा जो सूची दी गई थी उसमें किसी भी प्रकार की इन्होंने कोई जाँच नहीं की गई और तुरंत प्रभाव से विधायकों को अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उसका तुरंत वितरण करवाया गया। लेकिन जो कांग्रेस के पार्षद है जो अपने पार्षद कोष से जो बांटना चाहते हैं 100-100 कट्टे जो आटे के, उसमें काफ़ी दिन हो गए, 10 दिनों से अनावश्यक रूप से अड़ंगा लगाया जा रहा है, बार बार उसकी सूचियों की जाँच की जा रही है। कभी कहते राशन कार्ड लिंक नहीं है, कभी कहते कि ये आधार कार्ड नहीं बना हुआ, तो ऐसी बहुत सी जो कानूनी अड़चने बेवजह लगा रहे हैं। इससे ज़रूरतमंद और जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, और हम यही बात करने के लिए यहाँ पर आए थे। और हमारी ये मांग है कि जनप्रतिनिधि जो वास्तव में इस कोरोना वायरस के अंदर बिना अपनी जान की परवाह किए रोज़ जो जनता की सेवा कर रहा है उसके अंदर अनावश्यक रूप से अड़ंगा नहीं लगाया जाए, क्योंकि अशोक गहलोत जी का भी ये सपना है कि ज़रूरतमंद व्यक्ति कोई भूखा नहीं सोए, और हम लोग उन्हीं की मंशा के अनुसार, मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार आटे के कट्टे बांटना चाहते हैं। और जो ज़रूरतमंद और वास्तव में गरीब व्यक्ति है, पार्षद खुद अपने कोष से कुछ पैसे खुद की जेब से मिला करके और जो उसमें जो अलग सामग्री जोड़ेगा, हम लोग कोई इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के जो लोग हैं वो पूरी तरह से इसमें राजनीतिकरण कर रहे हैं, और जो कांग्रेस के पार्षदों के साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बार बार हमको यहाँ पर जनता के लिए, जनता को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी भोजन सामग्री बंटवाने के लिए भी हमको यहाँ पर चक्कर खाने पड़ रहे हैं। ये बहुत गलत व्यवस्था है, जो प्रशासन इसमें सुधार करे। हम संभागीय जो सचिव है देता साहब से मिलने आए थे सभी पार्षद दल, और हम 10-12 दिन पहले भी मिले थे और हमने हमारी व्यथा बताई थी कि जो भी सामग्री का वितरण हो रहा है उसमें राजनीतिकरण हो रहा है, तो वो राजनीतिकरण रोका जाए और जो निगम के कर्मचारी हैं उनके द्वारा ही सामग्री बांटी जाए, और जो कांग्रेसी पार्षद है उनको बिल्कुल उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और उनको साथ लेके सहयोग लेके ही ये राशन सामग्री बांटी जाए। नहीं उनमें अब फाइनली यही हुआ कि जो 100 किलो कट्टे जो 100 आटे के कट्टे जो बांटे जाएंगे वो पार्षदों के थ्रू ही बांटे जाएंगे, और लिस्ट वेरिफिकेशन का जो कार्य है उसको शीघ्र कंप्लीट करके बांटे जाएंगे।